आचार्य प्रवर भगवान देवसेन स्वामी आलाप पद्धति में हाँ गुड़ में गुड़ का उपचार, तो उन्होंने कहा कि मूर्त मति ज्ञान, मति ज्ञान मूर्तिक है, जबकि ज्ञान आत्मा का धर्म मूर्तिक है, फिर भी कर्म छोशुभ भाव होने से कर्म का आलम्बन होने से मूर्तिक कहा। उपचार है, उपचार है छोशुभ के कारण, कर्म के कारण उसको मूर्तिक कहना। ज्ञान मूर्त न होता तो मूर्त पदार्थों से स्खलित नहीं होता, हेतु भी है, सही हेतु को बता रहे हैं। आपका ज्ञान स्खलित हो जाता है, जो तगड़े ज्ञानी नहीं है, जरा सा तुमको धमका दिया तुम वहीं ठंडे हो जाते हो। दूसरी बात, ये पाठ कर रहे थे, दूसरा पाठ कर रहा था वो बहुत तेज बोलने लग गया तो उनका दब गया। कभी कभी बहुत आदमी तेज मिल गया, जाना वो भूल जाते हैं, आगे चलते हैं, याद करके श्लोक आए गुरु जी के पास आए तुम सब भूल गए, ठीक है। हाँ हाँ, तो वो तो गुड़ में गुड़ उपचार है, ऐसा होता ही नहीं है। न कान सुनता ना आँख देखती है, देखने वाला सब आत्मा है। वहाँ कर्ण में कर्ता का आरोपण है, कान से सुनता हूँ मैं, कान से सुनता हूँ, तो कान से सुनते आप तो ये तो स्पष्ट कर रहे हो कि सुनने वाला मैं ही हूँ, कर्ता मैं ही हूँ। ये कर्म है, कर्म नहीं कर्ण है, ठीक है। जीवा जीवपि गेयम् ज्ञान ज्ञानस्य गोचरा, उच्यते येन लोकेस्मिन् स्वसद्भूतो निगद्यते। इस संस्कृत में ज्ञान जीवा जीव पे गेय, हम गेय कितने जीव गे और अजीव गे, गेयम ज्ञान, गेयम ज्ञान और ज्ञान से गोचरात, तो ज्ञान का विषय होने से जीवा जीव गे है। जीवा जीव जो पदार्थ है क्या है, गे है। क्यों है, क्योंकि ज्ञान का विषय है। तो लोक में ऐसा कहा जाता, क्या उच्चनते एन लोकेस्मिन, लोक में क्या कहते हैं, शो अशद्भूतो निगद्यते, वो ज्ञान का विषय होने से जीवा जीव गे, और गे को ज्ञान कह देना, और ज्ञान को गे कह देना, लोक में ऐसा कहा जाता है। तो अशद्भूत धारण इस द्रव में गुड़ का उपचार है। अब द्रव में गुड़ का उपचार सुनिए ना, जीवा जीव भैया हमको ज्ञान है, देखो लोक में क्या हमें ज्ञान है, बोले कहेगा ये पेंसिल, अरे हमको ज्ञान है पेंसिल का, तो पुस्तक में ज्ञान है, इसे पढ़ो इसमें ज्ञान है, पढ़ लो भैया पढ़ लो ज्ञान है, तो आपने गेयों में ज्ञान का आरोपण कर दिया है। द्रव में गुड़ का उपचार, द्रव में गुड़ का उपचार कर दिया, ठीक है। शेष आगे बिछा।